हाई एवरी वन माई नेम इवन वेलकम टू द इंग्लिश अकेडमी आज हम इंग्लिश में कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स करने वाले हैं सो so आइए शुरू करते हैं पहले देख लेते हैं कि ईडियम्स होता क्या है अगर हम इंग्लिश में देखें तो एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग वेन यूज टूगैदर फ्रॉम द वन दे वुड है मीनिंग ऑफ ईच वर्ड सेपरेटली तो ये सबका मतलब क्या है एक मुहावरा शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक अलग अर्थ होता है जब एक साथ उपयोग किया जाता है यदि आप प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग से लेते हैं तो उसका अर्थ अलग होगा यानी ईडियम्स जो होते हैं वो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कई सारे वर्ड मिलकर एक ईडियम बनाते हैं यानी हिंदी में मुहावरा होता है उसका जो एक वर्ड होता है यानी हर एक सेपरेट वर्ड को अगर हम अलग से मीनिंग निकाले तो उसका मीनिंग कुछ और होगा बट इस पूरे यानी जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको मिला के एक ईडियम बनता है जो एक अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग लेके घूमता है मतलब एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं सो so आज का जो पहला हमारा ईडियम है वो है प्ले द नंबर्स गेम अब प्ले द नंबर्स गेम को हमें ऐसे नहीं लेना कि हाँ भाई प्ले मतलब खेलना नंबर मतलब जो संख्या है इस तरह से नहीं इस पूरे का एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है तो मीनिंग दिया है इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू प्ले विद नंबर्स एंड फिगर्स टू विन एन आर्ग्यूमेंट मतलब आंकड़ों में हेर फेर कर, कर किसी को गुमराह करना या घुमा फिरा कर बात करना तो आई आई बिलीव आपको ये समझ आ गया होगा सो डोंट प्ले नंबर्स गेम जस्ट टेल एस द रियालिटी यानी हमें बातों में मत उलझाओ इधर उधर हेर फेर मत करो हमें सीधी सीधी रियालिटी बताओ तो आगे बढ़ते हैं अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि कोई नया ग्राउंड देखना है और उसको जाके तोड़ना है इसका ऐसा मीनिंग कुछ भी नहीं है तो इसको पूरे कोई कॉम्बिनेशन के तौर पे लेना है जिसका मतलब है डू समथिंग इनोवेटिव दैट इज रिगार्डेड एज एन एडवांस्ड और ऑफ पॉजिटिव बेनिफिट मतलब नई खोज करना कुछ नया करना अलग हटके करना सो माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्रोकन न्यू ग्राउंड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स यानी माइक्रोसॉफ्ट ने यानी कंप्यूटर्स के फील्ड में कुछ नया किया है कुछ अलग खोज की है आगे देखते हैं अगला है नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड सो इसका मीनिंग है टू हैव वेरी गुड एंड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग मतलब बहुत अच्छे से जानना आई नो दिस प्लेस लाइक द बैक ऑफ माई हैंड आई डोंट नीड जीपीएस टू फाइंड हिज होम मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे उसके घर को ढूंढने के लिए जीपीएस की जरूरत नहीं है यानी उसको इतने अच्छे से पता है कि उसका घर कहा है अगले पर चलते हैं अगला जो वर्ड है वो है यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स मतलब इसका दे रखा है इट इज इंपॉसिबल टू अचीव समथिंग विदाउट एडवर्स इफेक्ट मतलब बिना परेशानियों के कुछ नहीं मिलता मतलब परेशानियां झेलनी पड़ती है तब जाके कुछ मिलता है तो इसको सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं ंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड मतलब बिना परेशानियों के कुछ नहीं मिलेगा तो आप हार्डवर्क मतलब परिश्रम करते रहे अगला देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है अ पेन पुशर अ पेन पुशर का मतलब है टू हैव बोरिंग जॉब मतलब बहुत ही पकाऊ काम ऐसा काम जिसको आप कर कर, कर बहुत उब चुके हैं सो so एग्जाम्पल है ही वॉज टायर्ड ऑफ बींग पेन पुशर सो ही डिसाइडेड टू क्वेट हिज जॉब यानी वो बहुत ज्यादा ऊब चुका था अपने काम से सो ही डिसाइडेड तो उसने निश्चय कर लिया टू क्विट हिज जॉब कि वह अपनी जॉब को छोड़ देगा तो क्विट मतलब चीज को छोड़ देना अगला वर्ड है लाइक अ हॉट नाइफ थ्रू बाटर मतलब टू डील विद अ प्रॉब्लम क्विकली एंड ईजली किसी भी परेशानी से मतलब बहुत आसानी से बाहर निकल जाना यानी बहुत ही आसानी से कुछ करना तो इसका एग्जाम्पल है द बिल पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट लाइक अ हॉट नाइफ थ्रू बाटर मतलब पार्लियामेंट से एक बिल बहुत आसानी से पास हो गया वैसे ये काम होता नहीं है कि पार्लियामेंट से कोई भी बिल हो तो आसानी से पास नहीं होता अगर वो ऐसे पास हुआ है लाइक अ हॉट नाइफ थ्रू तो बहुत आसानी से वो काम हो गया है अगला example, मतलब अगला जो वर्ड है वो है आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन इन द फायर इसका जो मीनिंग है वो है फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू इवन वर्ड मतलब आसमान से गिरा खजूर पर अटका एक प्रॉब्लम में आप थे पहले

आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन इन टू द फायर अगला जो वर्ड है वो है बिग फिश बिग फिश का मतलब बड़ी मछली नहीं है मैंने पहले ही समझाया था कि जो ईडियम्स होते हैं वो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं उनका अपना एक अलग मीनिंग निकलता है उसमें वर्ड्स को हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे सो so इसको इसका जो मीनिंग है वो है एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन मतलब है बड़ा आदमी मतलब एक बड़े वाला आदमी बड़ा यानी पावरफुल इंसान सो देयर आर मैनी बिग फिश इन्वॉल्व इन द सुशांत सिंह केस। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर uh, मिस्ट्री है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें बहुत बड़, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं अगला वर्ड है स्लिप थ्रू योर फिंगर्स मतलब फेल टू गेट समथिंग गुड या फिर लेट एन अपॉर्चुनिटी Go by, मतलब किसी अवसर को हाथ से जाने देना किसी ऑपरचुनिटी को छोड़ देना मतलब निकल जाती जो आपके हाथ से सो एग्जाम्पल हैिटी स्लिप थ्रू आर फिंगर्स हम नहीं चाहते कि यह अवसर हमारे हाथों से निकल जाए अगला जो वर्ड है वो है प्ले विद फायर प्ले विद फायर का मतलब है डूइंग समथिंग रिस्की मतलब आग से खेलना या कुछ खतरनाक काम करना एग्जाम्पल है ही न्यू ही वॉज प्लेइंग विद द फायर वेन ही अब्यूज द पुलिस मैन ही न्यू ही वॉज प्लेइंग विदायर वेन ही अब्यूज दुलिस मैन मतलब वो जानता था कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है जब वो पुलिस वाले को गाली दी जब उसने तो अगर आप किसी पुलिस वाले को गाली देते हैं तो बहुत ही रिस्की काम है यू विल पुट योर सेल्फ इन डेंजर और ट्रेवल सो आई होप ये आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे सो so, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स अ लॉट